Hands and nails. We must keep our hand and nails clean. Nails must be trimmed regularly. If we have long nails, dirt will gather in them. When we eat, this dirt vertical. पार्टिकल्स में गो इन टू दवरस नमक एंड मैकसिक हमें हैंड हमें हाथों और नेल्स को हमेशा साफ रखना चाहिए और नेल्स को हमें हमेशा रेगुलरली काटते रहना चाहिए यदि हमारे नेल्स बड़े हो जाएंगे तो उसमें जम्स जमा हो जाएंगे और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स खाना खाते समय वो हमारे पेट में अंदर चले जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे वी मस्ट वॉस्ट अवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग वी मस्ट वॉश अवर हैंड विथ सॉफ्ट एंड क्लीन वाटर हमें हमेशा खाना खाने के पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छे से पान क्लीन वाटर और पानी साबुन से धोना चाहिए टॉयलेट मैनर ऑल ऑफ हस यूज द टॉयलेट रेगुलर् वी शुड कीप द टॉयलेट इन अवर हाउस क्लीन एंड ड्राई वी मस्ट फ्लैश द टॉयलेट आफ्टर यूज मी मस्ट क्लोज द टैप प्रॉपरली सो दैट वाटर इज़ नॉट वर्स्ट बायर ड्रपिंग हम जब टॉयलेट में जाते हैं तो हमें हमेशा हमारा टॉयलेट साफ़ और क्लीन रखना चाहिए हमारे घर का और उस टॉयलेट के बाद में उसमें फ्लश करना चाहिए और जो पानी प्रॉपर पानी का जो टैप होता है मतलब नल होता है उसे प्रॉपरली बंद करना चाहिए एक्सरसाइज वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप फिट एंड हेल्थी वी मस्ट प्ले आउटडोर रेगुलरली इन द इवनिंग दिस हेल्प अस टू गो टू फ्रेश एयर हमें एक्सरसाइज डेली करना चाहिए और हमें शाम के समय में खेलना चाहिए गुड पोस्चर ऑल ऑफ अस नीड मेन्टेन गुड फोक्चर टू स्टे फिट एंड हेल्थी गुड पोस्चर शुड बी वेल स्टैंडिंग सिटिंग एंड वॉकिंग हमेशा हमेशा गुड पोस्टर का उपयोग मतलब इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें अच्छे से बैठना है सोना है सो, बैठना है खड़े होना है स्लीपिंग एंड वॉक वॉकिंग अप आफ्टर अ डे वर्क वी फील टायर्ड वेन वी स्लीप अवर बॉडी गेट रेस्ट वी मस्ट स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग हमें पूरा दिन होने के बाद हम जब थक जाते हैं तो हमें रात में बराबर सोना चाहिए हमारी बॉडी को रेस्ट देने के लिए और सुबह उठ जल्दी से उठना चाहिए ओके अंडरस्टूड थैंक यू